सर कैसी थी मूवी? मज़ा आया, फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे तो, काफ़ी एंटरटेनिंग थी फिल्म। मतलब प्रॉपर एक प्रॉपर एंटरटेनिंग फिल्म, जैसे कहेंगे रणबीर कपूर एक अपने पुराने अवतार में वापस लौट के आए हैं। मतलब जिस प्रकार से वो नज़र आते हैं अपनी फिल्मों के अंदर, वही स्टाइल में लेकर आए, और बिल्कुल काफ़ी लंबे वक्त के बाद एक उन्होंने वापस उस स्टाइल की फिल्म करी जिसके लिए वो मेनली फेमस हुए थे और जिस चीज़ की वजह से वो ज़्यादातर जाने भी जाते हैं। तो उनका वो कैसा नोवा स्टाइल जो है वो काफ़ी देखने को मिला, मज़ा आया। श्रद्धा कपूर को भी देख के मज़ा आया, मतलब श्रद्धा कपूर बहुत खूबसूरत लगे। मतलब मैं कहूँगा देखिए उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत ऐसी कोई गजब की नहीं है, लेकिन अच्छी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं कहूँगा उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं आप जब से देख रहे हैं उनको, लव का दी एंड से लेकर अभी तक जितना भी आपने उनको देखा, उनको किसी भी फिल्म में इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितना इस फिल्म के अंदर लगी है। बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। उन दोनों की केमिस्ट्री भी साथ में काफ़ी बढ़िया जम रही है और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में इनको और भी शायद पेयर किया जाएगा और भी फिल्मों के अंदर, मज़ा आएगा। लव रंजन की पिछली फिल्मों के मुकाबले में बोलूँगा ये फिल्म काफ़ी बेहतर है। हालांकि सोनू के टिट्टू की स्वीटी भी उन्होंने उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले बेहतर बनाई थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपना एक लेवल अप कर लिया और बेहतर उन्होंने काम किया है। मज़ा आया देख के, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी रहती है, मज़ा आता है। स्पेन का पूरा, हम स्पेन में हम देख रहे हैं दोनों को मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, वो चीज़ें चल रही है, कॉमेडी ड्रामा चल रहा है, फिर वही एक दूसरे के साथ जो खेल और वो चलता रहता है इनकी फिल्मों के अंदर, वही देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिलता है। ज़्यादा मज़ा आता है, प्रॉपर एंगेजिंग है, बोर नहीं करती आपको, ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती क्यों चला रहे हो, क्या हो रहा है, एकदम प्रेडिक्टेबल, ऐसा नहीं है। मज़ा आता है फिल्म के अंदर, इंटरेस्टिंग लगती है, एक के बाद एक वो जो चीज़ें देखने को मिलती है, फिर फैमिलीज़ भी इनकी इन्वॉल्व होने लगती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ड्रामा क्रिएट होता है, वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कहानी को लेकर मैं बताऊँगा नहीं, कैमियोज भी देखने को मिल रहे हैं, तो कैमियो देखने को मिल रहा है, आप कैमियो में कौन है, क्या हो रहा है, कैमियो का सीन क्या है, तो आप थिएटर में जाकर देखिए तो मुझे लगता है आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। फिल्म मज़ेदार है, बोर नहीं करती है, मुझे लगता है देखा जा सकता है फिल्म को। ये फिल्म पोटेंशियल रखती है कि फिल्म ज़्यादा अच्छा कमाएगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। 5 में से मैं जो फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा।